वेटिंग एरिया के वेटिंग लाउंज भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं सारिया और हम आपको सीन दिखाते हैं कि हम लोग फ्लाइट में आके भी स्टार्ट करें क्योंकि हम बहुत हरी में आए हैं और बहुत रश था। असल में हम लोग आए जल्दी थे, 2 आवर्स भी पहले आए थे, हम 2.5 घंटे पहले आए थे, लेकिन जो एंटर करने की लाइन थी एयरपोर्ट की वो इतनी लंबी थी कि उसमें हमें 1.5 घंटा लग गया और बाकी बोर्डिंग और इमिग्रेशन भी बहुत लंबी थी। इसलिए हम करने पर हम लिटरली इमिग्रेशन चेकिंग सबसे आए, फ़ौरन हम जहाज में आ गए। मैं इतना वेटिंग एरिया में 2 सेकंड में नहीं बैठा और हमारा Zone 3 है, ठीक है, जो है बैग छूट गया Zone 3। और मेरा जो बैग है, मेरा फेवरेट बैग, वो हम लेना भूल गए, ठीक है। उसने बस मम्मा को उठाया, पासपोर्ट बैग उठाया और बाकी दोनों उठा लिए, मेरा उठाया नहीं। हमें फ्लाइट में आके पता चले लिटरली, और मुझे रो रहा था क्योंकि मेरा फेवरेट बैग था, उसके अंदर मेरी फेवरेट चीज़ थी। और अभी देखते हैं इस बार का हमारा एक्सपीरियंस कैसा जाएगा। और अगर आपको फ्लाइट में ट्रैवल करना अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली साथ शेयर करिएगा। तो चलिए लाइक स्टार्ट आवर जर्नी। हमें टिकट मिल गई, उसके अंदर जो है कि ये हेडफोन जो है इसके साथ कनेक्ट करके सुनने के लिए, ये कुछ और होता है ना, वैसे इसकी आवाज़ नहीं आती, तो ये लगाएंगे तो फिर इसकी आवाज़ आएगी मूवी और कार्टून। और चीज़ पायलट हो रहा और यहाँ जगह खुली हुई जहाँ पे देते हैं लोगों का सामान रखा जाता है, इनकी बेली। मैं भी दोबारा में स्कूल से, तब मेरे भी सारे दोस्त रो रहे थे और मुझे अपने दोस्तों को छोड़ने में बहुत बुरा लग रहा था। हुसैन शाह, अब्दुलरहमान और काफ़ी सारे और भी दोस्त, पूरी क्लास ही क्लास से बाहर आ गई और रो रही थी, मुझे गले लगा के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन हो गया था वहाँ पर। खासतौर पर विंडो सीट मुझे मिल गई है ताकि मैं आपको लोगों से शेयर कर सकूँ बाहर का रिव्यू। चीज़ देख के लिए तो दिल्ली से हम जो है आपको एक ऑफ की पिक्चर दिखाएंगे और फिर हवा में आपको दिखाएंगे अपना माहौल, अपना और यहाँ का बाहर का व्यू। बस आ चुके हमारे सुबह हो चुकी है, और बस हमें तो बाहर मेरे लिए चाय भी लिए हैं, उठ गया। हेलो, पानी सोए हुए थे, सो साल आज वो 10 मिनट तो खाने।
फाइनली रीच एट जद्दा। फ्रेंड्स फाइनली हमने इमिग्रेशन कर लिए हैं और उसके बाद हमारी चेकिंग भी हो चुकी है सामान की। अब हम फाइनली लगेज क्लेम में पहुंचे और आज का सफ़र बहुत ही हरी में गुजरा और ना हम बहुत लेट हुए क्योंकि आज का सफ़र में पता है इतनी लंबी लंबी लाइन थी, लिटरली इमिग्रेशन में इतनी लंबी लाइन थी और वर्कर्स इतने स्लो वर्क कर रहे थे। हम जिस लाइन में लगे थे वो लाइन तो आधा आधा घंटा एक बंदे का कर रहा था वो बंदा, ठीक है। तो हमने लाइन चेंज की, फिर वो लाइन फास्ट चलने लग गई और जिस लाइन में हम थे वो स्लो चलने लग गई। तो बहुत ही मुश्किल से एक घंटे में हमारी इमिग्रेशन वही है। तो अब देखते हैं बैगेज क्लेम कितने देर में होता है और अगले फ्लाइट वाला बैगेज क्लेम चल रहा है और हम अब आए बैगेज क्लेम में। तो आप समझ सकते हैं कितने लेट हो। मैं न्यू बूट्स पहन के आई थी, उनका क्या हाल हुआ? लिटरली मैं न्यू बूट्स मैंने फर्स्ट टाइम पहना और इसका हाल क्या हुआ है? एयरपोर्ट की लाइन में ये है जद्दा का बैगेज क्लेम एरिया। ढाका, उसमें लिखा होता है कि आपकी फ्लाइट कौन से नंबर की और ये आप कौन सी फ्लाइट से हैं और किस जगह से किस जगह है, तो आप बता सकते हैं ऐसे कि आपकी कौन सी जगह बैग है। ये हमारा बैग बोल रहा हूँ, बैग का टायर टूट चुका है। ये देखिए तीन टायर हैं, अभी जब आए हैं तो ये इसका ये चौथा टायर निकला हुआ है, पता नहीं। और ये हमारा न्यू बैग था, ये हमारा नया बैग, एक बार ट्रैवल में यूज़ किया है, सेकंड टाइम का इसका। और बाकी हमारे सारे बैग आ चुके हैं, ये देखिए ये सामने भी एक बैग हमारा ला रहे हैं वो और बाकी हमारे सारे बैग आ चुके हैं। तो अभी बस बाबा आ रहे हैं तो हम चलते हैं अपने घर। तो अब हमने अपना बैगेज क्लेम कर लिया, सारा हमारा बैगेज एक ट्रॉली में आ चुका है। तो अब जल्दी से चलते हैं हम लोग बाबा के पास, बाबा हमें पिकअप करना है क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमारे बाबा सौदे में थे। बाय बाय बैगेज क्लेम। बैग में एक बीप आ गई थी लेकिन पता चला कि वो आई है एक स्टिकर की वजह से, तो हमने वो उतार दिया कराची टू जद्दा का स्टिकर, तो वो हट गया, तो वो बीप उसकी चली गई। तो अब हम रेडी हो गए हैं। सबसे फेमस है एक्वेरियम और इसमें बहुत सारी मछली, ये देखिए हर ब्रीड की शार्क भी है इधर, स्मॉल शार्क्स बेबी शार्क, बहुत सारी मछलियाँ हैं। देखिए आप तो खुद देख सकते हैं सारा घर बना हुआ है, नीचे कोरल लीव्स भी लगे हैं, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। सामने है अल्बेक, तो ये आप देख लें एक्वेरियम और मुझे तो बहुत प्यारा लगता है क्योंकि आई लव एनिमल्स एंड फिशेस। सामने एक्वेरियम है, ये सामने लेक है और अभी वक्त साढ़े नौ हो रहे हैं और यहाँ के घोड़े हैं भागता हुआ आ रहे हैं मुझसे वापस, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बैग पर गया था सामान खाना लेने और पता नहीं कि भागते हुए वापस आ चुके, क्या हुआ? चले वापस जाने लग गए, बाय। अभी ये बैग जाएगा और खाना लेके आएगा, हम लोग खाएंगे। अभी हमारा खाना आ चुका है, सॉस है, ये नगेट्स हैं और ये बन है, इसके अंदर थोड़ा और सॉस और बन है, यहाँ पे ये चाय है और ये है फिश नगेट्स, ओ फिश फिलेट्स। तो अब जल्दी से खाना खाते हैं और फिर हमारा एक मतलब गाड़ी का भी ट्रैवल है वो 6 आवर्स का, तो उसको भी हमें कंप्लीट करना है, फिर हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। A few moments later.
भाई कुछ तो लाइट जलाओ। ओके रूम आ गए ये टू बैग से। ओके वाओ यहाँ पे टेबल लगी हुई है, फ्रिज है और यहाँ पे कबर्ड की और बाकी वॉशरूम है सिस्टम। और तो फ्रेंड्स ये फाइनल हो चुका है कि ये हमारे रूम है क्योंकि इसमें टू बेड्स हैं जी। तो ये हमारा रूम और यहाँ पे मेरे पास मेरे लिए वैरायटी भी है। ये भाई रूम बंद पर भाई डर लग रहा है रूम के लिए, न्यू न्यू है ना। तो आई होप हम लोगों को ये रूम में अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा सुनने। ओह विंडो 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 और है पोपट हो गया इसमें लगा। अरे विंडो बहुत गंदी हो रही है लेकिन चलो व्यू अच्छा आ रहा है। हमारी गाड़ी भी खड़ी ये वाली